पुलिस अधीक्षक दिनेश सिंह के निर्देशन में अपराध तथा अपराधियों की धरपकड़ एक लगातार चलाए जा रहे अभियान के क्रम में मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर प्रभारी निरीक्षक कोतवाली गौरीगंज अरुण कुमार द्विवेदी व विनोद यादव एसओजी प्रभारी अपनी टीम के साथ 17 दिसंबर की रात्रि लगभग 11:15 बजे 25,000 रुपए का इनाम घोषित अंतरजनपदीय शातिर लुटेरे अंशुमान सिंह को जामो तिराहा गौरीगंज से गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। गिरफ्तार हुए अभियुक्त के पास से 1 अदद अवैध तमंचा व 2 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर के साथ 4,500 रुपए नकद बरामद हुआ। पूछताछ में अभियुक्त ने अपना जुर्म कबूल करते हुए बताया कि उसी ने ही बैंक ऑफ बड़ौदा ग्राहक सेवा केंद्र बाबूगंज से 8 सितंबर 2020 को अपने साथी वंश बहादुर सिंह तथा रोहित वाल्मीकि के साथ मिलकर 1,00,000 रुपए संचालक से लूटे थे। गिरफ्तार किए गए अभियुक्त अंशुमान सिंह उर्फ अंशु पुत्र लल्लू सिंह निवासी राकी थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़ का रहने वाला है। इसके ऊपर कई जनपदों में दर्जनों मुकदमे पंजीकृत है। पुलिस को लंबे समय से इसकी तलाश थी। गिरफ्तार किए गए अभियुक्त के ऊपर कोतवाली गौरीगंज में सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करते हुए जेल भेजने की विधिक कार्यवाही की जा रही है। इसी के साथ उसके अन्य साथियों की भी तलाश जारी है। ये बाइक वाले भी हैं क्या? आज तो लग नहीं रहा है। क्या है पूरा मामला? ये 25,000 का इनामी अपराधी अंशुमान को गौरीगंज पुलिस ने आज गिरफ्तार किया है। ये बाबूगंज में 8 सितंबर को बैंक ऑफ बड़ौदा के ग्राहक सेवा केंद्र में इन्होंने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर के 1,00,000 रुपए की लूट की थी। तत्काल घटना का अनावरण होने के बाद से इनकी तलाश जारी थी और ये अपनी उपस्थिति छुपाने के लिए बहुत दूर दूर तक भाग रहे थे। हमारी टीमें लगातार इनका पीछा कर रही थी। आज इनकी गिरफ्तारी हुई है और इसका लंबा क्रिमिनल इतिहास है। 13 की क्रिमिनल हिस्ट्री है जिसमें हत्या लूट NDPS के तमाम अपराध इसके विरुद्ध पंजीकृत हैं। इनके विरुद्ध ये कार्रवाई एक उपलब्धि है हमारी गौरीगंज पुलिस की और इनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई भी की जाएगी। जिस टीम ने इसको गिरफ्तार किया है उनको मैं 5,000 रुपये का नगद पुरस्कार से सावधानी पुरस्कृत करवा।